हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बनाऊंगी बसंती पुलाव, यानी कि मिष्टी पुलाव और येलो पुलाव। आप इसको बना के पूजा में भी भगवान जी के सामने भोग चढ़ा सकते हो, इधर आपके घर में गेस्ट के लिए भी बना सकते हो। इसके साथ आप एंजॉय करो चिकन और आलू दम। बासमती पुलाव बनाने के लिए गाइस, यहाँ पे मैंने इंडियन बासमती राइस लिए हो, 8 कप है मेरे घर में, जो कप है जिसमें मेजरमेंट लेती हूँ उसी कप की 8 कप मैंने यहाँ पे राइस ली हो। बासमती पुलाव बनाने के लिए हमें गाजर चाहिए, किशमिश चाहिए, मटर चाहिए, काजू और कैप्सिकम चाहिए। तो कैप्सिकम को मैंने स्लाइस करके काट ली हो, गाजर को भी और काजू को मैंने फ्राई कर ली हो। अभी तेल में मैंने ऐड करूंगी तेजपत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, ब्लैक पेपर, लौंग, ये सारे अखा जो मसाला है वो मैं सारे तेल में ऐड करूंगी। देन यहाँ पे एक एक करके मैंने जो जो वेजिटेबल्स में कट के रखी थी वो मैं सारे ऐड कर दूंगी। आप एक साथ में भी ऐड कर सकती हो और थोड़ा सा 2-3 सेकंड के बाद भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर मसाला सारे वेजिटेबल के साथ थोड़ा सा चला लूंगी 2-3 सेकंड के लिए। यहाँ पे मैंने ऐड करूंगी मटर। किशमिश जितना ज्यादा आप ऐड करेंगे उतना आपका बासमती पुलाव मीठा बनाएगा। फिर ग्रीन चिली मैंने कट के रखी थी पीसेस करके, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तीखापन के लिए। अगर आप नहीं चाहो तो नहीं भी ऐड कर सकते हो, इसकी स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट भी ऐड करूंगी। फिर थोड़ा टाइम चलाऊंगी, 2-3 सेकंड में चलाऊंगी। फिर मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड की हो। फिर मैंने काजू ऐड कर दी हो। गाइस, अगर आप चाहते हो तो गार्लिक का पेस्ट स्किप कर सकते हो। अगर आप भगवान जी के लिए बना रहे हैं तो गार्लिक का पेस्ट स्किप कर सकते हो। इसको मैंने सोक करके रखी थी 10 मिनट के लिए, वो भी राइस में अभी मसाला में ऐड कर ली हूँ। मसाला के साथ मैं राइस को अच्छा से चला लूंगी। मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ घी। घी मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ऐड करूंगी, बाकी घी मैं बाद में ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूंगी अपने हिसाब से। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे येलो पाउडर ऐड करूंगी, वो कलर के हिसाब से ऐड करूंगी। और यहाँ पे 3-4 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड करूंगी। ये सब मिक्स कर लूंगी। देखिए कितनी ब्यूटीफुल कलर आया है। अभी मैंने यहाँ पे ऐड करूंगी गरम मसाला। गरम मसाला 1 टेबल स्पून मैंने ऐड की हूँ। फिर मैं 2-3 सेकंड इसको चला लूंगी। इस कप की मेजरमेंट थी राइस की, अभी इस ग्लास की मैंने पानी ऐड करूंगी। 8 कप जहाँ पे मेरा राइस था वहाँ मैंने 8 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। फिर सारी चीजों को मैं अच्छा से मिक्सअप कर लूंगी पानी के साथ।
bird on a tree. I'm just sitting here. अभी फिर मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ. फिर मैं ढाक दूंगी, फिर उसको 30 मिनट्स तक रख दूंगी. आफ्टर 30 मिनट्स देखिए गाइस, हमारी जो राइस है बासमती पुलाव वो बन चुकी है. इसमें मैं फिर से गरम मसाला ऐड करूंगी. आप चाहे तो मीठा बन के लिए और थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हो. पहले आप टेस्ट कर लीजिए. और आपको 30 मिनट्स में आपका राइस कंप्लीट नहीं पकेगा तो फिर से आप उसको फ्लेम बंद करके 5 मिनट रख दीजिए. तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग.